खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं गए? एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन है? बढ़िया है ना? हम तो देखिए बढ़िया है, बढ़िया सुंदर तो लग रहे हैं। तो एक बात कहे, चलो एक गाना गा के सुना देते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल का हो किसने जाना, आगे हमको आता नहीं है। ऐसे जिंदगी की बात आई तो हम बोल सोचे कि का लाइफ को लेके ना का तो गाना गाए आपके लिए। आप बताइए कैसन है? सब बढ़िया है? घर में सब कैसे हैं? बढ़िया तो चल रहा है ना? हम तो हमारे घर में तो सब बढ़िया है, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद और दुआओं से। तो ये तो हमारे लाइफ की बात थी। अब अर्जुन कपूर अपनी लाइफ को लेकर कछु बात कहे है तो उनकी खबर दिखाते हैं आपको, चलिए। अर्जुन कपूर ने की खुलकर बात, कहा अपनी लाइफ के बेटर फेज में एंट्री कर रहा हूं। जी हां, एक्टर अर्जुन कपूर को अपना फिल्मी करियर शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी हल्के में लेने से इनकार कर दिया है। वह स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक ऐसा जीवन जीने को मिल रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में सेट पर एक सहायक निर्देशक होने के नाते, एक निर्माता का बेटा होने के नाते, मुझे पता है कि कैमरे के पीछे फिल्म मान कितना मुश्किल है। इतने सालों में मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह यह है कि कैमरे के सामने रहना कठिन काम है, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। मैं वह जीवन जी रहा हूं जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, मैं इसके लिए बेहद आभारी हूँ और इस पेशे का हिस्सा बनकर हमेशा खुश हूँ। कपूर को यह एहसास भी हुआ कि वह फ्लेक्सिबल है क्योंकि वे उतार चढ़ाव से बचने में सक्षम है। उन्होंने कहा, मैं प्रभावित हो जाता हूँ लेकिन इतना नहीं कि मैं फंस जाऊँ। मैं कभी नहीं जानता था कि मैं हर तरह की फिल्मों और भूमिकाओं को करने में सक्षम होने के लिए इतना सिक्योर इंसान था। बता दें कि कपूर ने शहजादे के साथ बॉलीवुड में प्रवेश किया, साथ ही विभिन्न शैलियों और चरित्रों के साथ प्रयोग किया, जो टू स्टेट, गुंडे, पिंकी और फरार, पिंकी फरार जैसे कई प्रोजेक्ट्स के साथ उनके कैरियोग्राफ में परिलक्षित होता है। अब उनके आने वाले काम की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में एक विलन रिटर्न्स, कुट्टी और द लेडी किलर जैसी परियोजनाओं के साथ कई फिल्में हैं और वह अब आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही इसी बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि जब मैंने इस पेशे में शुरुआत की तो मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी थी और अपने लिए एक नाम बनाना था। यह हमेशा स्थिर रहा है। जब मैंने कियन का की तो मुझे नहीं पता था कि यह विषय लोगों को एक्साइट करेगा। उदाहरण के लिए संदीप और पिंकी फरार में मुझे नहीं पता था कि उस फिल्म के चरम उत्कर्ष में क्रॉस ड्रेस करने का साहस था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने में सक्षम होने के लिए बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हूँ। मुझे नहीं पता कि मेन स्ट्रीम के कमर्शियल हीरोज ऐसा करने के बारे में सोचते हैं या नहीं, या सोचेंगे या नहीं। तो कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ के बारे में शेयर की कुछ बातें अर्जुन कपूर ने। आपके इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ए दर्शकों, कुछ ही बात तो हम कह दिए ना आपको, तो कुछ ही बात हम बोल दिया आपको हमारी जिंदगी के बारे में। हम सुन रहे थे, हमको लगा ना का गाय गड़बड़ हो गई, हमको लगा कि बढ़ के भाई आ जाए हुए ना, किसी पे चिल्ला दिए का है ना, गुस्से में थे तो हमने का हो गया, इसलिए दो मिनट के ध्यान भटक गया। वो का बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी की तो हम बोल दिए, अर्जुन जी की जिंदगी की वो बोल दिया। बाप बताइए का चल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर। फिलहाल तो हम जाते हैं, नई खबर लेकर आते हैं, तो आप कहीं ना जाइएगा, आप जरूर से बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की दर्शकों।